समाज में धर्म और संस्कृति पर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। पुरानी बातें जानने की जिज्ञासा हमेशा होती है। रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में धर्म संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए जानें दुनिया के कुछ सबसे पुराने मंदिरों के बारे में, जो प्रमाण है हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास का। वैसे तो अनेकों प्राचीन मंदिरों के प्रमाण पूरे विश्व में पाए जाते हैं, कुछ के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं, लेकिन कुछ प्राचीन मंदिरों में आज भी पूजा अर्चना होती है। भारत मंदिरों का देश है। प्राचीन समय से इस देश में राजा, महाराजा और आम लोग भी मंदिरों की स्थापना करते आ रहे हैं। भारत के बाहर भी कई प्राचीन हिंदू मंदिर मौजूद हैं। उनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे, कितने ही मंदिर मुगलों ने तोड़ दिए, कितने मंदिर अंग्रेजों ने तोड़ दिए, लेकिन कुछ मंदिर हैं जो वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हम आपके सामने लाए हैं वो 7 सबसे पुराने हिंदू मंदिर, जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि अगर नींव मजबूत हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता, वक्त भी नहीं। विश्व के सबसे पुराने मंदिर की बात की जाए तो गैनटिया मंदिर का जिक्र आता है। माल्टा देश में स्थित गोजो नामक द्वीप पर बने इस मंदिर को नव पाषाण काल में बनाया गया था। आज के विज्ञान के अनुसार यह वह समय था जब तक मनुष्य ने धातुओं की खोज नहीं की थी और न ही उनके पास किसी तरह के कोई औजार थे। इसके बाद भी इस तरह के विशाल मंदिर का निर्माण कैसे किया, यह आज तक एक रहस्य है। माल्टा स्थित गोजो द्वीप पर एक नहीं 2 मंदिरों का निर्माण हुआ था। आज इन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। इन्हें नाम दिया गया है द मेगालिथिक टेम्पल्स ऑफ माल्टा। इन्हें आज से लगभग 5600 साल पहले बनाया गया होगा। पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ पर जीवनोत्पत्ति से जुड़ी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, जो बताती हैं यहाँ जीवन और नए शिशु के जन्म से जुड़े पूजा पाठ कर्म कांड किए जाते थे, जो कि हिंदू धर्म में आज भी किए जाते हैं। आज भी यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है और माल्टा आने वाले यहाँ जरूर आते हैं। केवल पत्थरों के औजारों से बने इस मंदिर को देखकर पर्यटक अचंभित हो जाते हैं। आइए अब दूसरे सबसे पुराने मंदिर की बात करते हैं, कटास राज मंदिर पाकिस्तान। लगभग 5000 साल या उससे भी पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कटास राज मंदिर महाभारत के पहले भी मौजूद था। कटास राज मंदिर और मुल्तान सूर्य मंदिर महाभारत युग के 2 महान मंदिर थे, लेकिन मुल्तान सूर्य मंदिर को सन 1600 में अरबी सेना ने तहस नहस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि स्वयं कृष्ण भगवान ने शिव मंदिर की नींव रखी थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। अब आ जाइए तीसरे सबसे प्राचीन मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे लगभग 2000 साल पुराना बताया गया है। 2004 में तमिलनाडु में आई सुनामी में कई जानी गई थी और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था, लेकिन महाबलीपुरम के करीब तट में एक ऐसा मंदिर उभरा जिसने देश भर के लोगों को चौंका दिया। यह मंदिर था सुब्रमण्यम मंदिर। वैज्ञानिकों का मानना है यह मंदिर लगभग 2000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। अब बात करते हैं चौथे मंदिर की, मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार। इस मंदिर को लगभग 1700 साल पुराना माना जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। राजा गुप्त के समय बनाया गया यह मंदिर आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं पांचवें सबसे प्राचीन मंदिर, लॉर्ड खान मंदिर, कर्नाटक। इस मंदिर को लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। लॉर्ड खान मंदिर का नाम उस भिक्षु के नाम पर पड़ा था जो इस मंदिर में 19वीं सदी में रहता था। अब बात करते हैं छठे सबसे प्राचीन मंदिर की, चंगू नारायण मंदिर, जो कि नेपाल में स्थित है। इस मंदिर को लगभग 1500 साल पुराना बताया जाता है। नेपाल में स्थित चंगू नारायण मंदिर नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। अब बात करते हैं सातवें सबसे प्राचीन मंदिर की, जो कि भारत से बाहर है। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। किसी भी धर्म में इतना विशाल मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद आज तक नहीं बनी। इस मंदिर को 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, लेकिन अभी तक सीना ताने अपनी महानता का परिचय देते हुए बेधड़क खड़ा है। ओम जय श्री राम।